मैं हूं आपकी मेजबान लारिफ खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के कुछ शहरों में रातों रात गैस की कीमतों में इजाफा, तूफानों का असर गैस की कीमतों पर पड़ सकता है, माहिरीन ने आगाह कर दिया। गैस की कीमत में 1.58 डॉलर फी लीटर के करीब जा पहुंची। ऑन्टेरियो में किसानों को शदीद ज़हनी तनाव का सामना, गुज़िश्ता एक साल के अरसे के दौरान 4 में से 1 किसान ने खुदकुशी करने का सोचा। कनाडा के 700 से ज्यादा फौजी एहलकार बहरे ओकियानोस कनाडा में तबाहकुन तूफान फियोना के बाद बहाली के कामों में मसरूफ। फियोना के कनाडा के साहिलों से टकराने के 6 दिन बाद खत्ते में 10,000 सार्फीन अब भी बिजली से महरूम। अमेरिका में समंदरी तूफान की तबाहकारियां जारी, रियासत फ्लोरिडा में आंधी और मौसलाधार बारिशों के सबब मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। काबुल में तालीमी इदारे के बाहर खुदकुश धमाका, 19 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। अफगान तालिबान की हुकूमत ने तालीमी इदारे को खुदकुश हमले का निशाना बनाने के वाकये की शदीद मुजम्मत की। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. गैस प्राइस ट्रैकर के मुताबिक कनाडा में कौमी सतह पर गैस की कीमत में औसतन 3 सेंट से ज़्यादा के इजाफे के साथ 1.58 डॉलर फी लीटर है। कुछ सूबों में दीगर के मुकाबले में ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के कुछ शहरों में रातों रात गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। चंद शहरों में तकरीबन 10 सेंट फी लीटर और एक शहर में तकरीबन 20 सेंट फी लीटर इजाफा देखने में आया। गैस प्राइस ट्रैकर के मुताबिक कनाडा में कौमी सतह पर गैस की कीमत में औसतन 3 सेंट से ज़्यादा के इजाफे के साथ 1.58 डॉलर फी लीटर है। कुछ सूबों में दीगर के मुकाबले में ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। माहरीन के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफे की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें बैन अलाक्वामी मसाइल, मौसमी मामलात, तलब और रसद और सूबाई टैक्स शामिल हैं। माहरीन का कहना है कि समंदरी तूफान फियोना और आयान इस हफ्ते साहिलों से टकरा रहे हैं। कुछ मार्केटों के लिए गैस की फराहमी और तरसील मुतासर होने का इम्कान है। माहरीन के मुताबिक तूफानों का असर गैस की कीमतों पर पड़ सकता है, क्योंकि मुल्क भर में जहाँ से गैस आ रही है वो कदरें मुख्तलिफ है। इसका मतलब ये हो सकता है कि एक सूबा इसे दूसरे सूबे से थोड़ा ज्यादा महसूस कर रहा है। ऑन्टेरियो फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर के सदर ने कहा है कि सूबे के 76% किसान खुद को एतदाल से लेकर ज्यादा तनाव में महसूस करते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में किसानों को शदीद ज़हनी तनाव का सामना है। गुज़िश्ता एक सिविल के अरसे के दौरान 4 में से 1 किसान ने खुदकुशी करने का सोचा। सूबे के 76% किसान खुद को एतदाल से लेकर ज्यादा तनाव महसूस करते हैं। ऑन्टेरियो फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर के सदर पैगी ब्रैक वर्ल्ड ने कहा है कि आम तौर पर यह आम आबादी के मुकाबले में बहुत ज्यादा तनाव की सतह है और तादाद बहुत तशवीशनाक है। उनका कहना था कि एक रिपोर्ट जिसमें पिछले 12 महीनों में 4 में से 1 किसान के बारे में बात की गई है, किसी मौके पर उन्हें यकीन नहीं था कि उनकी जिंदगी जीने के काबिल है। ये खौफनाक है। इस मुताले ने एग्रीकल्चर बैलेंस ऑन्टेरियो की तख्लीक को तेज करने में मदद की, जो दिमागी सेहत के प्रोग्रामों का एक मजमू खास तौर पर ऑन्टेरियो के किसानों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें दिमागी सेहत की वर्कशॉप, रजाकाराना खुदकुशी से बचाव का प्रोग्राम और हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे मुफ्त मशावरती फोन लाइन शामिल हैं। कैनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन के तहत एग्रीकल्चर वैलेंस ऑन्टेरियो के हुक्काम का कहना है कि लोग अगर चाहें तो आधी रात को खेत में या गोदाम में होते हुए कॉल कर सकते हैं। ये हर वक्त दस्तियाब रहता है। ऑन्टेरियो फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर और कैनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन के दरमियान शराकत दारी सूबे में अपनी नौयत की पहली है, जो देही इलाकों के हर फार्म और खेत तक पहुँचती है और किसानों को दरपेश मनफरद चैलेंजेस से निमटती है।
कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनकी हुकूमत मौसमियाती तख़फीफ पर तवज्जो मरकूज करेगी। इस बात को देखते हुए कि हालिया बरसों में मौसम के शदीद वाक़यात कितनी बार हुए हैं, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के 700 से ज़्यादा फौजी अहलकार बहरे ओकियानूस कनाडा में हैं, जो तबाहकुन तूफान फियोना के बाद बहाली के कामों में हिस्सा ले रहे हैं। मुतासर इलाकों के दौरे के दौरान कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि उनकी हुकूमत मौसमियाती तख़फीफ पर तवज्जो मरकूज करेगी, इस बात को देखते हुए कि हालिया बरसों में मौसम के शदीद वाक़यात कितनी बार हुए हैं। कनाडा की वजीर दिफा अनीता आनंद ने कहा कि एटलांटिक कनाडा में इस वक्त 700 से ज़ायद कैनेडियन मुसल्ला अफवाज के अहलकार मौजूद हैं, जो इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले पोस्ट ट्रॉपिकल तूफान फियोना के बाद मुतासिरा लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। फियोना के कनाडा के साहिलों से टकराने के 6 दिन बाद खत्ते में 10,000 सार्फीन अब भी बिजली से महरूम हैं, क्योंकि अमला जारी बंदिश को दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रहा है। सिर्फ मैरी टाइम्स में 1,00,000 से ज्यादा सार्फीन अब भी ताहाल बिजली से महरूम हैं। कैप ब्रिटेन में फौज ने सिडनी के मेफ्लावर मॉल में एक कमांड पोस्ट कायम की है, ताकि गिरे हुए दरख्तों और मलबे के दीगर टुकड़ों को साफ करने के लिए ज़रूरत के मुताबिक फौजियों को तैनात किया जा सके, जिसकी वजह से कुछ सड़कें नाकाबले अबूर हो गई हैं। PEI में फौजी अहलकार भी ऐसा ही कर रहे हैं। हुकूमती अदादोशुमार के मुताबिक कैनेडियन कोस्ट गार्ड पहले ही खत्ते में डूबने वाले जहाज़ों के लिए गश्त कर रहा है और अब तक 23 कश्तियों को हटाया जा चुका है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अयान तूफान को अमरीकी तारीख का सबसे होलनाक तूफान करार देते हुए खदशा जाहिर किया है कि अमवात की तादाद बढ़ सकती है, इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीका में समंदरी तूफान की तबाहकारियाँ जारी हैं। रियासत फ्लोरिडा में आंधी और मूसलाधार बारिशों के सबब मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। सदर बाइडन ने अयान तूफान को अमरीकी तारीख का सबसे हवलनाक तूफान करार देते हुए खदशा जाहिर किया है कि अमवात की तादाद बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में समंदरी तूफान ENK-22 सैलाबी पानी साहिलों से सैकड़ों मील दूर तक कई फिट तक खड़ा हुआ है। तूफान के 22 घर, गाड़ियां और सड़कें पानी में डूब गई हैं। पानी से भरे घरों में फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। समंदर की बिफरी मौजों का पानी काउंटी के एक अस्पताल में भी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से 1,000 मरीजों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। जबकि समंदरी तूफान की तबाही इतनी शदीद है कि एक कैमरामैन लाइव नशरियात छोड़कर सैलाब से नबर्द आजमा शहरियों की मदद के लिए उन्हें रेस्क्यू करने पहुंच गया। तूफान अयान ने मवासलाती निज़ाम भी तहस नहस कर दिया है, जबकि 26 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। ये हवलनाक समंदरी तूफान आज अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना से टकराने का खदशा है। खुदकुश हमलावर ने काबुल के इलाके दश्त बर्ची में वाकिया काज एजुकेशन सेंटर नामी तालीमी इदारे पर हमला करके खुद को धमाके से उड़ा लिया। इदारे में दाखिला टेस्ट जारी थे, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगान दारुल हुकूमत काबुल एक मरतबा फिर खौफनाक धमाके से लरज उठा। तालीमी इदारे के बाहर खुदकुश धमाके के नतीजे में 19 अफराद शहीद, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान की हुकूमत ने तालीमी इदारे को खुदकुश हमले का निशाना बनाने के वाकये की शदीद मजम्मत की है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खुदकुश हमला आवर ने काबुल के इलाके दश्ते बर्ची में वाकया कॉज एजुकेशन सेंटर नामी तालीमी इदारे पर हमला करके खुद को धमाके से उड़ा लिया। इदारे में दाखिले टेस्ट जारी थे। काबुल पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि धमाके की जद में आकर अब तक 19 अफराद जाबहक हो चुके हैं, जबकि 27 अफराद जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि ताहाल किसी भी दहशतगर्द ग्रुप ने खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, ताहम माजी में हज़ारा बिरादरी पर होने वाले अक्सर हमलों की जिम्मेदारी दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों ने कबूल की थी। वाज़ह रहे कि 2021 में तालिबान ने इक्तदार संभालने के बाद अफगान आवाम की हिफाजत यकीनी बनाने के अज़म का इजहार किया था, ताहम गुज़िश्ता कुछ महीनों में तवातर से मसाजिद और शहरी इलाकों में धमाके हुए हैं, जिनमें अब तक दर्जनों लोग जाबहक हो चुके हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान आरिफ खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।